एक्टिंग की दुनिया में हमारे कहते हैं ना कि खा जाना या फाड़ के रख देना, एकदम एकदम पर्दा फट जाए, इतनी अच्छी भयानक एक्टिंग करते हैं आप। नहीं, 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 मैं ऐसा ना, मैंने कभी सोचा है और आई थिंक मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ये खा जाने वाली बात जो होती है ना, ये मुझे कभी समझ में आई नहीं, क्योंकि जब एक आप दो एक्टर आमने सामने काम करते हैं जनरली, तो वो अपना कैरेक्टर कर रहा है, मैं अपना कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसको अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग काम करना है, मुझे मेरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग काम करना है। अभी अगर सपोज मुझे उसको चांटा मारना है और ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि उसको कुछ रिएक्ट नहीं करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको खा गया। वो स्क्रिप्ट में ही लिखा था कि वो चांटा पड़ेगा तो वो उसको कुछ रिएक्ट करना ही नहीं है। तो स्क्रीन पे कैसा दिखता है कि अरे देखो उसने ऐसा चांटा मारा कि वो कुछ बोल नहीं पाया, बोल ही नहीं पाया। देखो बोल इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसको नहीं बोलना था, उसे स्क्रिप्ट में नहीं था। अगर उसको उसके कैरेक्टर के हिसाब से या स्टोरी के हिसाब से अगर उसको बोलना होता तो फिर वो अपने डायलॉग बोलता था। तो वैसा है, तो कभी कोई किसी को खाता नहीं है। हाँ ये है कि कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, आपको अगर अगर रिएक्ट भी करना है तो हो सकता है कि आपको जिस तरीके से रिएक्ट करना था आप उस लेवल पर रिएक्ट ना कर पाओ। वहाँ पे एक्टिंग 19-20 हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है कि जो दूसरा कैरेक्टर है वो आप थोड़ा सा हैवी लगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और ना कभी कोई कोशिश एक्टर कोई आई थिंक कोशिश करता होगा कि मैं इसको खा जाता हूँ यार, मैं इसको वो कर दूंगा, डाउन कर दूंगा, मैं नीचा दिखा दूंगा, ऐसा कोई एक्टर नहीं सोचता होगा। सब ये सोचते हैं कि बस अच्छा काम हो जाए, क्योंकि इट्स ए टीम वर्क। अब लगभग 10 से 12 साल हो गया वो करते हुए, आप हमेशा लगभग कभी 6 की शिफ्ट रहती है 6 बजे पैकअप, 9 की शिफ्ट रहती है 9 बजे पैकअप, आप हमेशा वर्दी में ही रहते हैं, आप घर पहुंचते हैं ऐसा फील नहीं होता कि हाँ मैं ड्यूटी करके आया हूँ, और या फिर फैमिली कहे कि हाँ आ गए ड्यूटी से? हाँ यार ये तो बिल्कुल ऐसा ही फील होता है, और क्योंकि इतनी आदत हो गई ना उसकी यूनिफॉर्म की, इतनी आदत हो गई है कि इनफैक्ट जब हम लोग बहुत ज़्यादा करते थे तब तो ऐसा लगता था कि वो यूनिफॉर्म को पहन के बहुत अच्छा लगता था। बिकॉज क्राइम पेट्रोल मतलब कब इतने दिल के करीब हो गया ना करते करते वो पता ही नहीं चला। मतलब क्राइम पेट्रोल को अगर बोले तो हमने मतलब जिया है, उसको प्यार करते हैं, मतलब वो हमारे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रहा था, हम उससे बहुत इमोशनली जुड़ भी गए थे, तो उसको करने में बहुत मज़ा आता था। और यूनिफॉर्म की बात ही अलग होती है।